हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु राव और आप सभी का स्वागत है रितु राव हमारे रेसिपीज के किचन में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो उसके नीचे का लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो चिकन मसाला बनाने के लिए हमें लगेगा प्याज। तो यहाँ प्याज ली है मैंने 3, जो मीडियम साइज़ की प्याज थी उसे काट लिया है, और लहसुन लिया है, यहाँ लिया है अदरक, और लेंगे यहाँ जीरा, शाह जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग, जावित्री और नारियल। तो यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है ये, और लेंगे 2 टोमेटो जिसकी प्यूरी बना लेंगे हम। और तड़का देते वक्त में हमने लिया है यहाँ स्टोन फ्लावर, तेज़पत्ता और दालचीनी। और यहाँ ड्राई पाउडर मसाले में लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, चिकन मसाला, हल्दी, नमक, गरम मसाला और यह है धनिया पाउडर। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच लिया है नमक, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मैरिनेशन के वक्त में अगर इसमें दही डालना चाहते हैं तो दही डाल के भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो अभी हम पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम जो मसाला तैयार करेंगे, तो मसाला तैयार करते वक्त में हमने पैन में तेल लिया है और उसमें डाल देंगे प्याज, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनते वक्त में फ्लेम को हमने थोड़ा हाई फ्लेम पे रखा है ताकि जल्दी से भुन जाए। और अब इसमें डाल देंगे हम नारियल। तो नारियल को और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक के भून लेना है। तो आप देख सकते हैं नारियल और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे हम खड़े मसाले, और इन सभी को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक, तो मसाले हमारे अच्छे से भून के हो गए हैं। तो लगभग हमने इसे 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से भून लिया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद में इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और टोमेटो प्यूरी भी तैयार कर ली है। तो अभी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम चिकन मसाला बना रहे हैं कुकर में। तो मैंने कुकर में डाल दिया है 3 बड़े चम्मच तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम तेज़पत्ता, दालचीनी और स्टोन फ्लावर, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। स्टोन फ्लावर की वजह से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे हम पेस्ट, और पेस्ट जिस वक्त डालते हैं तो फ्लेम को हमने कम कर देना है, यानी मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए, इसमें जले नहीं। पेस्ट को हम लगभग 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ हमने लो फ्लेम पे अच्छे से मसाला भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाला और तेल बिल्कुल अलग अलग से हो गए हैं। तो जब मसाले के ऊपर तेल आता है दैट मीन्स कि हमारा मसाला भुन के हो गया है। और अब इसमें डाल देंगे ड्राई पाउडर मसाले, तो यहाँ जो हमने लिया था हल्दी, चिकन मसाला, लाल मिर्च पाउडर
नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, तो इन सबको डाल देंगे इसमें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें डाल देंगे हम टोमेटो प्यूरी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम पकने देंगे। मसाला पकते वक्त में फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया है हमने और अब इसे ढक देंगे और लगभग 2 मिनट तक की इसे वैसे ही पकने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाले में तेल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर तेल आ चुका है, दैट मीन्स हमारा मसाला बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और अब पूरे मसाले को और चिकन को मिक्स कर लेंगे। तो चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे ढक देंगे ताकि मसाले में चिकन अच्छे से हो जाए। तो यहाँ चिकन में मसाला अच्छे से लग चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने पानी डाल देना है, तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो यहाँ मैंने मिक्सी पॉट में जो हमने मसाले तैयार किए थे उसी पॉट को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा घोल लिया है और वही पानी इसमें डाल दिया है और उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। तो यहाँ लगभग मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसे वापस मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं मसाले में अच्छे से चिकन लग चुका है और अब इसे हम कवर कर लेंगे। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी कवर कर लेंगे और 2 सीटी आने तक की वेट करते हैं। यहाँ हमारा चिकन बनके रेडी है, हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।